Yeah.
मिसाल की मिसाल ले लो जब प्रमाण हुई थी मान में आवे मुताबे रब जाए मिजवाने यक निगाह है जहां भी जाई दी बस दवज दरकार मां लाख खुशियां पाक ईसाइयां ये सतगुरु नजर करे यक निगाह है लाख खुशियां पाक ईसाइयां ये सतगुरु नजर करे चतुर्थ सारा तीनों बल अपनो कृपा प्रसाद अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो यक निगाह यक निगाह जब मेहर की नजर नाल तकिया इना मतलब ये तेरी एक नजर की कीमत क्या है ना तेरी एक निगाह की कीमत मेरी सारी जिंदगानी जान देना तेरी एक निगाह की कीमत मेरी सारी जिंदगानी तू अगर कबूल कर ले तो तेरी ये मेहरबानी यक निगाह है यक निगाह है यक निगाह है यक निगाह है I'm not
पूरिया सब ठाई माती अनेक भांत कर माती एक मिट्टी के सारे बने हुए कबीर माटी के हम सूत्र मान से राखे माटी माटी सब संसारा बाबू जो खाने भले कुमारा माटी माटी अनेक पांत कर साधी साध निहारे ना कुछ पोच मती के फांडे ना कुछ पोच कुमारे सब में एको सच्चा सोई सब में एको सच्चा सोई सब में सब में एको सच्चा सोई इसका किया सब कुछ हो इसका किया सब कुछ हो हुकुम पुछाने सो एको जाने हुकुम पुछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई बंदा कहिए सोई हुकुम पुछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई अल्लाह अलख ना जाए लखिया अल्लाह अलख ना जाए लखिया गुर गुर दीना मीठा कह कबीर मेरी संता नासी सर्व निरंजन दीठा बसे हर विच आप पिया बसे हर विच फिर एक का एक है गुरु तेग बहादुर जी फरमाते ने हर की जात जरा समझ की बात है इन समझो जरा मत रह गई है हर की जात न को जाने जोगी जति तपी पतिहारे अरमा लोग जोगी जोगी जति ब्रह्मचारी जोगी जति पतिहारी छिन में राव अलंक को करी राव अलंक कर डार हरीते परे परे सखना में ये बातों व्यवहार अपनी माया आप पसारी आपे देखने हार अपनी माया आप पसारी आपे देखने हार अपनी अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा आपे ही देख लिया है आपे देखन हारा नाना रूप तरे बोरंगी नाना रूप तरे बोरंगी नाना रूप अनेक अपने नाना तारे बारंगी सब तेरे न्यारा सब तेरे न्यारा है हाल कुछ भी है फिर न्यारा वक्रे ना वक्रा ना जे ना ना फिर ही कोई को अनेक भी है एक भी है ना भी वक्रे या फिर अलग सब बोलते हैं
सब ते रहे न्यारा, नाना रूप के सारे रूप में तारे बोलंगी रंग हाए मुक्ति उतार तुते यार नाना रूप तारे बोलंगी सब ते रहे न्यारा दस हर विच आप प्यारा
जिथे गुरु नानक पातशाह ने अवतार उतारे, फिर पट्टी साहब गुरुद्वारा है जिथे महाराज ने पांदे रूप दे दिता। गए थे पढ़ने वास्ते अलग ते उल्टाऊ सबक देने लग पे, वो भी गुरुद्वारा उठे। फिर माल जी गुरुद्वारा जिथे गुरु नानक पातशाह दे तेरे मुबारक दे सर्प ने नाग ने छाया की थी, जिमीदार ने पिता कालू के बोला मैंने पुकार की, जिमीदार ने तेरा पुत्र मेरी सारी खेती उजाड़ाया। तो सर गुरु नानक पातशाह ने नजर करके रूहानी ताकत न देखा, खेती हरी भरी हो गई। अगो तुम गुरु नानक वो भी गुरुद्वारा उच्चे तंबू साहब गुरुद्वारा, फिर पंजा साहब गुरुद्वारा है, फिर सच्चा सौदा गुरुद्वारा जिसे सच्चा सौदा भी कहा, वो भी गुरुद्वारा नानक साहब के नजदीक है। पंजा साहब गुरुद्वारा है जिसे आपने पंजा लाया पहाड़ी में पूजा होती, इमनाबाद गुरुद्वारा जिथे तपस्या की, जिथे रोड़ा की गुरु ने करी विछाई, वह गुरुद्वारा इमनाबाद है। बाबे जी बेर गुरुद्वारा सियालकोट है, हरी भरी है बेर गुरुद्वारा कायम है। लाहौर आज गुरु रामदास का जन्म स्थान लाहौर है, चौथे गुरु का जन्म स्थान लाहौर है, पंजे गुरु शहीदी स्थान गुरु अर्जन पातशाह का लाहौर है, छेवें गुरु हरगोबिंद पातशाह का लाहौर गुरुद्वारा है, शहीदों के स्थान हैं। महाराज रणजीत सिंह जी उसी वसीम ने वो भी समाधि उठे है। तो मैं अर्ज करांगा कि तुम्हारा वो मक्का मदीना है, तुम भी उतों के दर्शन जरूर करो, तुम भी हज करो। इतने गुरुद्वारे पाकिस्तान के, साड़ी गवर्नमेंट इतना उन्होंने सलूक करती है, तुम्हारे सिखाने जाओ तो तुम देखो कि इतना आदर मान सत्कार करती जिसका जवाब भी है, कोई तकलीफ नहीं होती। साड़ी गवर्नमेंट पाकिस्तान कसूर वाले उन्होंने खलोते रहते कि फरमाओ हुक्म करो की तुम जो हुक्म करो वो उस वेले हो जाता, ये साड़ी गवर्नमेंट ज्यादा आदर मान सत्कार करी। तो इस वे मैं अर्ज करता बेनती करना जिसे भी जाना यह बेनती जरूर करना भी गुरु नानक पातशाह दर्शन जरूर करो। वाहगुरु जी का खालसा राम हरि महला की जय। कृपा